बच्चों को दे दो, बच्चों को दे दो, ये लगाएंगे बहुत जल्दी। उसमें छलांग ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि नीचे बर्ड में इल फिश हो। 250 किलोमीटर से 800 किलोमीटर बलूचिस्तान का ये ज़्यादा है, मगर सुमियानी ठीक है और जिमनी तक है पूरे पाकिस्तान में, मगर सब लोग बैठ गए। देखो ना, अभी जो है जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं ये आज से 20 साल पहले का जो है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले जो प्लांटेशन हो रही थी उस वक्त मैंग्रोव्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बेइंतहा प्रेशर था, और यहाँ तक कि 20 साल पहले लोग मैंग्रोव्स को बेदरख काटते थे, मगर पिछले दो दहाइयों से जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। इसमें यूसिन पाकिस्तान, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और दीगर एनजीओज और सीपीओज ने मिलकर काम किया है। अगर इसे प्रॉपर इसे मैनेज करें मैंग्रोव्स को, और वो इसमें झींगे और मछलियां जो इससे हासिल होती हैं इन्हें, इससे इनको एक बहुत बड़ा मकसद इनकम सपोर्ट है, और इन्हें अपनी जो है कश्ती को ज़्यादा दूर भी लेके जाना नहीं पड़ता और ना तलाश करना पड़ता है, क्योंकि मैंग्रोव्स एरिया में जो है फ़िशिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मछलियाँ आपको झींगे मिल जाते हैं। अलहमदिल्ला मैं माइगर हूँ, और ये जो हमारे तिम्मर है, इधर हम लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। इधर मछली अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है, और हम लोग जाते हैं मछली पकड़ते भी हैं, और इससे हमारा गुजारा होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन दी मैंग्रोव्स, रहते हैं उसके ऊपर, चीज़ के ऊपर रह रहे हैं, सेडिमेंट्स के ऊपर रह रहे हैं। बहुत सारे हमारी कमर्शियल फिश हैं, श्रिम्स हैं, झींगा है, ये भी हमारे मैंग्रोव्स में, जिसे हम तिमर कहते हैं उर्दू में, तिमर, तिमर के जंगलात में मिलता है। तो अब एक स्लोगन भी चला था, ब्लू एलिफ ने लगाया था, तिमर लगाओ झींगा पाओ, इसलिए कि श्रिम्स के जो जुमेनाइल्स हैं वो यहीं पर फ्लारिश पाते हैं, यहीं पर ग्रो करते हैं, तो उनका फूड है, इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है मैंग्रोव एरिया। उनके जो रूट वास्ट रूट सिस्टम है उसमें उनका शेल्टर मिल रहा होता है, उसमें वो सर्वाइव करते हैं, फूड मिल रहा है उनको वहाँ पे। हम कट कर रहे हैं, अब कटिंग क्यों कर रहे हैं, या तो अपने जो इंसान कर रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, या फिर लैंड हासिल करने के लिए, जगह हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो यही हम देख रहे हैं, हमारे पास जो कटिंग है, हमारे जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो उसको कटिंग कर रहे हैं। इस पर अगर आप मच्छर कॉलोनी की साइड पे जाएं तो वहाँ पे पॉपुलेशन का फ्लक्स बहुत ज़्यादा हुआ है। अब उन्होंने मैंग्रोव्स काटे हैं वहाँ पे, अब वो काट क्यों रहे हैं, तो अपनी भोपड़ी भी बना रहे हैं, रहने की जगह भी ले रहे हैं, प्लस उस लकड़ी को वो खाना पकाने में एज अ फ्यूल वुड इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस मैंग्रोव की जो लीव्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो फॉडर के तौर पे, चारे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ख़तरा है। दूसरा ख़तरा ये कि ज़ाहिर बात है, हम गारा जो गारबेज है, वेस्ट है, वो सारा इन्हीं एरिया से होकर गुजर रहा है,
तो वेस्ट फैला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि मैंग्रोव डिजीज हो रहा है। Thank you.